अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम अपना लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली एक रिसर्च आर्टिकल है जिसको हम उसका पार्शली इसको रिव्यू करेंगे। ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टाइप ऑफ रिसर्च आर्टिकल है, जिसमें यूज़ किया गया है, जिसमें एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ किया गया है फॉर इट्स मेथडोलॉजी। तो क्योंकि पिछले सेशन में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस पढ़े थे और उसके मुख्तलिफ किस्में जो पढ़ी थी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, तो इस आर्टिकल को बेसिकली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमने सोचा कि उसको कवर करें। ये आर्टिकल का जो है बेसिकली टाइटल कुछ इस तरह है कि यूज़र रिस्पॉन्स टू एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम अ फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो ये आज इंशाल्लाह हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या बात की थी। हमने कहा था एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, उनमें हमने ये देखा था कि कब इनको कंडक्ट करना होता है और कब नहीं करना होता, स्पेशली जब हम कहते हैं कि कॉजल इफेक्ट हम देखना चाह रहे होते हैं और हम कहते हैं कि एक्स कॉजेज वाई और हम बाकी वेरिएबल्स को जो है उनके इम्पैक्ट को नलिफाई हम कर देना चाहते हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करना चाह रहे होते, उनका कहते हैं कि उनके एक्सक्लूड करके हम खाली उसको स्टडी करना चाह रहे होते हैं। तो फिर बेसिकली हमारी रिसर्च जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की फॉर्म में लाई जा सकती है, या कॉजल हमारी स्टडी है तो उसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ हमने फिर कुछ मुख्तलिफ डिज़ाइंस भी देखे थे, जिसमें हमने कहा था प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन की हमने बात की थी। फिर हमने जिसमें हमारे पास बेसिकली यही आइडिया था कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है, और तीसरी जो चीज़ हमने बात की थी कि हमारा ट्रीटमेंट होती है, और हमने कहा था कि ट्रीटमेंट जो है जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर हम चेंजेस करते हैं, ये चेंजेस जो करना होता है इसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं, और ये हम एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर करते हैं और इसके मुकाबले में एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं जो कि जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, वहाँ पर उसको उसके ऊपर वो ट्रीटमेंट नहीं की जाती तो वो एक कंट्रोल ग्रुप कहलाया जाता है, जो कि अदरवाइज सिमिलर होता है टू द एक्सपेरिमेंट ग्रुप, लेकिन उसमें जो ट्रीटमेंट है वो नहीं कराए जाते। इसी तरह हमने बात की थी पोस्ट टेस्ट ओनली विद एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप की, हमने एग्जांपल ली थी जिसमें हमारे पास सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया जा रहा था। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में मतलब वही पॉइंट ये था कि आपने जो है जो आपने जो चेंजेस की हैं, जो आपने वेरिएबल के अंदर मॉडिफिकेशंस की हैं उससे पहले और उसके बाद जो है आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। इस तरह पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि खाली प्री पोस्ट टेस्ट में आप कहते हैं पहले आपने वैल्यू नहीं ली होती और सिर्फ पोस्ट टेस्ट के केस में आपने जो है वो ट्रीटमेंट किया होता है और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखी होती है। इसमें जो चेंज है वो ये है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है फॉर टेस्टिंग प्री टेस्टिंग में और पोस्ट टेस्टिंग में जो इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि प्री टेस्टिंग में जब वो इस्तेमाल हो चुका होता है इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप सर्टेन वैल्यूज़ को जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कैलकुलेट यानी इसको मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल हो चुका होता है और दोबारा जब पोस्ट टेस्ट में आता है तो उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि क्योंकि आपका यूज़र है वो फेमिलियरिटी उसको हो जाती है उस इंस्ट्रूमेंट की, तो उस फेमिलियरिटी की वजह से कभी कभार रिस्पॉन्स जो हैं वो आपको ऐसे ओरिजिनल नहीं आते, तो उसकी वजह से अगेन ये पोस्ट टेस्ट जो है ओनली वाला एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया गया था जिससे ये फ्लॉ जो है उसको कवर किया गया है। इसी तरह प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप में अगेन सर्टेन ग्रुप्स को प्री टेस्ट दिया जा रहा है, दैन उसका पोस्ट टेस्ट सर्टेन ग्रुप्स में हम पोस्ट टेस्ट देते हैं और फिर प्री टेस्ट नहीं देते, और एक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से बेसिकली किया गया है, और उसमें पॉइंट यही है कि हम अपने जो फ्लॉज हैं जो किसी तरह से भी आपके सिस्टम के जो जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर कोई अगर कमी रह जाती है इन टर्म्स ऑफ उसके जो है मेजरिंग के कॉन्टेक्स्ट में तो वो उसको कवर किया जा सके। इस तरह हमने सॉलोमन फोर ग्रुप की बात की थी। तो ये मुख्तलिफ तरह के हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन देखे थे और हमने कहा था कि इनमें यहाँ पे आपके कुछ स्टडीज़ जो हैं उनके अंदर एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके अंदर इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा होती है, कुछ के अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होती है, और इंटरनल वैलिडिटी वाले बेसिकली वो होते हैं जिनके अंदर आपके कंट्रोल या लैब के अंदर आप उसको जहाँ पे आपके कंट्रोल्स जो हैं आपका ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अगर प्योरली लैब के अंदर आप एक लेबॉरेटरी के अंदर जब आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं
तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी इसलिए होती है क्योंकि उसके जो जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो सारे आपने स्टैंडर्डाइज यानी उनके सारों को आपने कंट्रोल कर लिया होता है, उनको आपने जो है किसी हद तक जो है निगेट कर चुके होते हैं बाय मेकिंग श्योर कि वो सारे एक लेवल के हैं। और लेकिन इसकी इशू ये है कि इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी कम हो जाती है, वैलिड नहीं रहता बाहर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कम हो जाती है। वजह यह है कि क्योंकि बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी रियलिटी जो ऐसे जो सिचुएशन है जो लैब के अंदर वो पॉसिबल नहीं होती, बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत कम आपके पास जो कंट्रोल्स होते हैं, बहुत कम आपके पास वेरिएबल्स को जो है स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसमें हमारे पास कंट्रोल कम होता है कि उनको हम मैनेज कर सकें। तो ये हमने बात की थी इंटरनल एक्सटर्नल की वैलिडिटी के हवाले से। फिर से हमने कहा था कि इसमें ये जो मुख्तलिफ हमें डिज़ाइन हैं ये बेसिकली इस काउंटर करने के लिए हैं ताकि हमारे सर्टन जगहों पर इंटरनल वैलिडिटी बढ़ जाए या एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम इन्हांस कर सकें। एक्सटर्नल वैलिडिटी आमतौर पर जो फील्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होती है। आज का अगेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें रिव्यू करना है, नॉट द फुल आर्टिकल, पार्शल ऑफ द आर्टिकल्स बीइंग रिव्यूड हियर। इसके बाद कुछ इसके कंपोनेंट जो है वो लेटर रहा है इन दी जो हमारा कोर्स है उसमें हम इसको दोबारा रिविजिट करेंगे इस आर्टिकल को, लेकिन हम स्टार्ट इधर से करते हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्योंकि हमारा मेथडोलॉजी के ऊपर फोकस था और वो भी इसमें भी हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का जो कॉम्पोनेंट है उस पर ज़्यादा फोकस था, तो हम इस आर्टिकल में जो है ज़्यादा डिस्कशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो ये है कि जी इसमें हमारे पास हमने क्या रिव्यू कर रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई हुई है। हम भाई ये भी कह रहे थे कि हमारे पास जो आपका मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट वेरी इन्फॉर्मेशन जो निकाली जाती है आपके आर्टिकल के अंदर से वो हमने जो है किसी भी आर्टिकल जब हम करते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जब आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन जो निकालनी होती है। सबसे पहले तो ये कि हमने देखना होता है क्या आर्टिकल का जो टाइटल होता है वो क्या है, और आमतौर पर जो टाइटल है उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो आपने देखना है कि इसका टाइटल क्या है क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट वो आपका इम्पोर्टेंस टू यू टू योर रिसर्च होती है। तो इसमें क्योंकि हमने देखना है कि हम इस पर्टिकुलर केस में तो वैसे हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में इसको रिसर्च आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज ये आर्टिकल का जो हमने देखना है कि इसमें अगेन टाइटल में क्या कह रहा है और क्या वो इस चीज़ को किसी तरह से जो है एलैबोरेट कर रहा है कि आर्टिकल जो है ये इसके अंदर क्या हो रहा है। तो टाइटल में सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की जाती हैं। इसी तरह किस ऑथर ने लिखा है, कौन से ऑथर थे और किस ईयर में पब्लिश हुआ, किस जर्नल में पब्लिश हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको कल को जब इसको इस आर्टिकल से कुछ आपको रेफर करना हो तो आपको पता हो कि इसका ऑथर कौन था, कौन से ईयर में इसने लिखा था, किस जर्नल में लिखा था। ये इन्फॉर्मेशन सारी आपके रेफरेंसेस जो जनरेट किए हैं उसके अंदर आपको रेफरेंस लिस्ट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए जो आर्टिकल पढ़ें तो उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन को भी आप नोट कर लें। इसके अलावा जो आर्टिकल्स के अंदर आमतौर पर जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम देखते हैं और उन वेरिएबल्स के कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप को जो स्टडी किया जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। या कौन सा मॉडल है इसके अंदर जो इसको कह रहा है, यूजुअल मॉडल इज अगेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, और इस मॉडल जो है ये जो होता है ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो होता है इसके नतीजे में सर्टन हाइपोथेसिस होते हैं, अगर हाइपोथेसिस हैं तो वो कौन से हाइपोथेसिस हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने नोट करनी होती हैं। इसके अलावा हम जो और आर्टिकल्स के अंदर ये देखते हैं कि इसके अंदर जो रिसर्च की गई है उसके लिए कौन से मेथड यूज़ किया गया है, जो अप्लाई मेथडोलॉजी जो जो अवेलेबल है उनमें से कौन सा मेथड यूज़ किया गया है इस आर्टिकल के अंदर, इस रिसर्च के अंदर। तो उसमें चीज़ें सच है कि पॉपुलेशन कौन सी थी, सैम्पलिंग कैसे की गई, डेटा कैसे कलेक्ट किया गया, आपके पास स्केल्स कौन से यूज़ किए गए, इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ किए गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मेथड के अंदर होगी, जिसमें आपने ये पढ़ना है कि उसने जो आर्टिकल में उसने कौन से मेथड अडॉप्ट किया है टू कलेक्ट द डेटा एंड टू वेरीफाई द रिजल्ट्स एंड टू वेरीफाई टेस्ट इट्स रिजल्ट्स। उसके बाद आपको अगेन जो फाइंडिंग वाला सेक्शन है उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आर्टिकल की जो आफ्टर अप्लाइंग दोज मेथड्स क्या रिजल्ट्स क्या निकले, व्हाट वर द फाइंडिंग्स, और जो भी फाइंडिंग्स हुई हैं उसके बेसिस पे वो कुछ डिस्कशंस करते हैं।
और बेसिकली जो इम्प्लीकेशन है ऑफ द स्टडी उसको बता रहा होता है. फाइंडिंग्स में जनरली आपके फैक्ट्स को जो आपके आफ्टर रिसर्च जो है उनको मोर और लेस जो प्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन डिस्कशन में उन फैक्ट्स का दरमियान में जो बैकग्राउंड पे जो उनका रिलेशनशिप है, जो उनकी एसोसिएशन है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है. और इम्प्लीकेशंस के अंदर फिर बेसिकली ये देखा जाता है कि आपकी जो रिजल्ट है, जो जो फाइंडिंग्स हैं, उसका इसका जो इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा और क्या कर सकती है इस फाइंडिंग्स के बेस के ऊपर, क्या डिसीजंस लेने चाहिए उसको इन द बेस ऑफ जो जो है डिसीजन है वो क्या है. और फिर फ्यूचर डायरेक्शंस भी आमतौर पर रिसर्च आर्टिकल में होता है जिसमें बेसिकली आपके जो ऑथर है वो ये बता रहे होते हैं कि हमारी रिसर्च ने तो यहाँ तक काम किया है, इसके बाद ये चीज़ें जो है हमने नहीं कवर की, ये चीज़ें हमसे रह गई हैं, तो फ्यूचर रिसर्चर जो हैं वो इन चीज़ों को यहाँ से इस पॉइंट से ऑनवर्ड करें, तो ये अगेन फ्यूचर जो एरियाज़ हैं, ताकि आपका एक ही चीज़ के ऊपर बार बार काम ना हो. वो आपको बता देते हैं कि हमने ये चीज़ें कर ली, इनमें हमसे फ्लॉज रह गए, इनको आप इस तरह से कर रिसर्च करेंगे तो ये फ्लॉज भी फर्दर कवर हो जाएंगे, ये एरिया ऑफ जो नॉलेज है इसको कवर कर लिया जाएगा. तो चलिए आइए हम देखते हैं आर्टिकल को. आर्टिकल का टाइटल यह था कि यूजर रिस्पॉन्स टू एन ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टम अ फील्ड एक्सपेरिमेंट. बेसिकली ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको देखा जा रहा है कि वो उसका यूजर्स का रिस्पॉन्स वो जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक सेटअप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या सेटअप के अंदर, तो उनका लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, लोग कैसा महसूस करते हैं जब एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वर्किंग हो रही हो उस वर्किंग के अंदर उसको कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया जाए तो क्या होता है. तो इसको एज एन फील्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा कि हम करेंगे कि उसका इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं. ये बेसिकली जो ऑथर्स हैं चार्ल्स आर फ्रांस है और दूसरा जो है डैनियल रॉबे एंड रॉबर्ट आर कबल्स. ये हैं ये जो तीन ऑथर्स हैं जिन्होंने लिखा आर्टिकल और इनकी जो पब्लिश हुआ है ये एमएस क्वार्टरली जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ है वॉल्यूम नंबर 10 का आगे नंबर 1 जो है उसका सब जो है चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली है मार्च 1986 में पेज 29 से 42 पेज के दरमियान में आर्टिकल जो है उन पेजेस पे आपको मिलेगा. तो ये बेसिकली इसकी डिटेल्स हैं जो कि आपके रेफरेंसेस लिखते हैं वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. इसके अलावा ये बेसिकली अगेन कुछ चीज़ें जो है और इन्फॉर्मेशन जैसे ये है कि ये कब एक्सेस हुआ, ये इन्फॉर्मेशन भी कभी कभार ज़रूरत हो जाती है, कुछ जगहों पर ज़रूरत पड़ती है अगर आपके पास उस आर्टिकल का एक्चुअल जर्नल का एक्सेस ना हो, जर्नल का नंबर इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ये जहाँ पे भी ये वेबसाइट पे ये पड़ा होता है, ये जिस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वहाँ से जहाँ से एक्सेस किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है और उसकी जो है किस डेट को एक्सेस किया है ये भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो जाती है इन केस ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो. ठीक है, ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में क्या कह रहा है, कहते हैं कि द स्टडी एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑन यूजर्स एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस ऑफ जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स. दो तीन बातें कर दी एकदम से इसने यहाँ पे, लेकिन हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं. वो कह रहा है कि हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के इम्पैक्ट को जो है वो देख रहा है कि लोगों की एटीट्यूड और लोगों के परसेप्शन ऑफ देयर जॉब्स जो है ना उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, कि इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन अबाउट द जॉब्स हैं इस परसेप्शन इस एटीट्यूड का के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इम्प्लीमेंटेशन का कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है, ये बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं. तो कह रहे हैं कि दीज इम्पैक्ट्स वर असेस्ड विद अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रिसर्च डिजाइन फॉर अ सैम्पल ऑफ नर्सेज. अब ये यहाँ पे बता रहा है कि हमने मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की और ये हमारा ये मेथड्स का पोर्शन है. ठीक है, इसमें बता रहा है कि आफ्टर कहाँ है एक सैम्पल ऑफ नर्सेज इन अ मेजर अर्बन हॉस्पिटल. तो एक मेजर अर्बन हॉस्पिटल है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है. किसके ऊपर किया गया है, नर्सेज के. अब नर्सेज की जो जॉब है जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका एटीट्यूड टूवर्ड देयर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी परसेप्शन अबाउट देयर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स उसको देखना चाह रहे हैं कि क्या वो चेंज हुई है जब हमने इन्फॉर्मेशन सिस्टम इम्पैक्ट, क्योंकि क्या पॉइंट ये बेसिकली वो कह रहा है कि जब इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करते हैं
तो नेचुरली वो आपकी जॉब के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि सर्टन चीज़ें जो जैसे कि नर्सेज हैं वो डे इन डे आउट इन फॉर्म्स फिल कर रही होती हैं, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, या फिर पेशेंट्स के जो है रिकॉर्ड को अपडेट कर रही होती हैं। अगर ये सारा काम जो है अगर उनको वहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं आपने कंप्यूटर्स के थ्रू करना है, तो क्या उनको उनकी जो जॉब या उसके जॉब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उनकी क्या है जो अपने एटीट्यूड टुवर्ड देयर जॉब, क्योंकि ये भी उनका हिस्सा है, जॉब का हिस्सा है रिकॉर्ड कीपिंग एंड फॉर्म फिलिंग एंड रिक्वेस्टिंग, तो इन चीज़ों पे क्या जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है तो इससे कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा हो, ये बेसिकली टेस्ट करना चाहते हैं। तो आफ्टर टेस्टिंग फॉर एंड रिजेक्टिंग पॉसिबल कन्फाउंडिंग इन्फ्लुएंसेज ऑफ द प्री टेस्ट स्कोर्स, कंपेरिजन वर मेड बिटवीन द प्री इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एटीट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने बिफोर इम्प्लीमेंटेशन उनकी एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस अबाउट देयर जॉब्स को लिया, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम उनके जॉब के। तो ये क्या टिपिकल आपका वही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक बनाया गया जिसके ऊपर पहले ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट से पहले उनका मेजर किया गया उनका एटीट्यूड एंड परसेप्शन, फिर उनका आफ्टर द ट्रीटमेंट जो है वो एटीट्यूड एंड परसेप्शन को मेजर किया गया। रिजल्ट शोज द लिटल चेंज इन द जॉब परसेप्शन होता है। अब ये उसने फाइंडिंग्स बता दी, तो यहाँ पे ये उसका फाइंडिंग्स का पोर्शन है कि जो उसने फाइंडिंग की। तो यहाँ पे बेसिकली इसने डिस्कस किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इशू, द प्रॉब्लम इटसेल्फ, द प्रॉब्लम एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इशू। फिर यहाँ पे उसने अपनी मेथोडोलॉजी को डिफाइन किया, ये सारी मेथोडोलॉजी डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे उसने अपने रिजल्ट्स को डिफाइन। तो एब्स्ट्रैक्ट में जनरली आप देखेंगे कि ये यही फॉर्मेट चल रहा होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी प्रॉब्लम की, और फिर आपने क्या मेथड अडॉप्ट किया, और फिर उसके नतीजे में क्या रिजल्ट मिला, ये आपने एब्स्ट्रैक्ट यानी 6-7 लाइनों के अंदर लिखना होता है ताकि जो रीडर है उसको चंद लाइनों में समझ आ जाए कि ये रिसर्च आर्टिकल किस इशू किस बारे में बात कर रहा है, इसकी क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट यूज़ की गई थी और क्या फाइंडिंग्स निकली। तो कह रहा है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा लोगों के परसेप्शन पे जब हमने उनको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को जब हम इम्प्लीमेंट किया। तो पॉइंट आगे कह रहा है द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज फाइंडिंग्स आर डिस्कस, फिर उसने डिस्कस की हैं और इसके इम्पैक्ट जो है कहता है कि अल्टरनेट मॉडल्स फॉर एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, इसको मजीद इसने आगे डिस्कशन के पोर्शन में देखा है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम के इम्पैक्ट जो है वो क्यों नहीं आया, क्या वजह है, क्या सिलसिले हैं, उनको उसने फर्दर इसको डिस्कस किया और एलैबोरेट किया। लेकिन अगेन हमारा फोकस जो है वो मोर लेस जो है वो शुरू के ये पहले दो पैराग्राफ्स जो पहला 2-3-4-5 लाइन है इस पे हमारा फोकस है और इसको हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द रिसर्च आर्टिकल इन मोर डिटेल। जो सबसे पहले गेन हमने कहा कि आपका जो आर्टिकल स्टार्ट होता है तो उसमें आमतौर पे वो प्रॉब्लम या इशू को हाईलाइट करते हैं, और अगेन जो स्टार्टिंग पैराग्राफ्स हैं वो कहते हैं कंसर्न ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन prevailing issue in the literature since 1950s. ये बात क्या कह रहा है, अगेन यहाँ पे वो जो establish कर रहा है, कह रहा है कि ये एक जो impact है of information system जो है ये इसकी importance बता रहा है कि उसको study किया जा रहा है over a period of time, और लोग कह रहे हैं कि information system का जो है impact होता है किसके ऊपर, जो लोगों के एटीट्यूड्स के ऊपर, लोगों के जॉब्स के ऊपर असरअंदाज होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन। तो कहते हैं अर्ली स्पेकुलेशन कह रही है अब यहाँ पे, एंड रिसर्च स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पैक्ट विच सिस्टम्स हैड ऑन जॉब डिज़ाइन, यूजर मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। जो कहता है कि पहले रिसर्च ने ये आइडेंटिफाई किया था कि लोगों की जॉब्स, लोगों के एटीट्यूड, लोगों की जो स्ट्रेस है उसके ऊपर, जो है मोटिवेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है किसका, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन करने का। तो जब इन्फॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। वन सिनेरियो पोर्ट्रेट दैट कंप्यूटर्स वर्क प्लेस एज इनह्यूमन, और कहता है कि जहाँ पे कंप्यूटर आ जाते हैं वहाँ पे वो इट्स एन इनह्यूमन वर्कर्स हो जाते हैं, उनकी जॉब्स ऐसी हो जाती हैं, जॉब्स आर रॉब्ड ऑफ देयर इनरिच्ड एलिमेंट, यानी उनकी जॉब्स में जो इनरिच्ड एलिमेंट्स थे वो कम हो जाते हैं, एक मैकेनिकल सा काम हो जाता है, इस तरह की बात कर रहा है। दिस स्किल्ड ये उनके जॉब्स को स्किल डिस्किल कर देती है और प्रोड्यूस कहती है एलिनिएशन हो जाती है, जॉब डिसटिस्फैक्शन हो जाती है, लो मोटिवेशन हो जाती है जिसके और परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। अब ये कह रहा है कि ये प्रॉब्लम हमारे नज़दीक है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से लोगों ने जो प्राइवेसी सर्च की हुई थी उन्होंने कहा कि इसकी वजह से लोगों को
जो है डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है, एलिनिएशन ऑफ देयर जॉब हो जाती है, या फिर वो जो है उनकी डिस्किल फील करते हैं क्योंकि कंप्यूटर ही सारा चीज़ कर रहे होते हैं, तो उनका काम जब ये करने लग जाता है तो उन लोग कुछ हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। अब ये इसने इस्टेब्लिश किया कि ये प्रॉब्लम इशू है जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि इसका असरअंदाज होता है और वो नेगेटिव तौर पर असरअंदाज हो रहा है, तो हम इसको क्या करेगा जो है वो बेसिकली दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एड्रेस, दिस इज द प्रॉब्लम ही इज ट्राइंग टू एड्रेस। वो कहता है कि वन सिनेरियो पोर्ट्रेट दैट कंप्यूटराइज्ड वर्कप्लेस इन एज इनह्यूमन वर्कर्स जॉब्स आर रॉब्ड ऑफ देयर एनरिच्ड एनवायरनमेंट, और वही उसको जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है और मोटिवेशन जो है वो कम हो जाती है। और एक जगह पे कहते हैं अल्टरनेट सिनेरियो पोर्ट्रेट दैट कंप्यूटर्स एज लिबरेटर्स एबल टू रिमूव मोनोटनी एंड मेक जॉब्स मोर एनरिच। अब कह रहे हैं एक जगह पे जो फोर्ड कॉमा फोर वाला, ये गेन रेफरेंसिंग का एक तरीका है जो आमतौर पे हम फॉलो जो है, हम एक्चुअल APA फॉर्मेट करते हैं जिसमें हम एक्चुअली ऑथर का नाम लिखते हैं यहाँ पे इस जगह पे या इस जगह पे यहाँ पे, लेकिन इसने ऑथर्स के नाम नहीं लिखे, इसने उनके एक्चुअली जो रेफरेंस नंबर है जहाँ पे ऑथर्स की फुल डिटेल पड़ी है वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। बट नेवरदलेस कहता है कि ये ऑथर्स ने जो लिखा है, ये कहते हैं कि IS इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के आने की वजह से क्या होता है, लोगों को जो है डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। अब ये उसने सपोर्ट भी निकाल रहा है कि देखें जो लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कहीं कहते हैं कि फायदा हो रहा है, कहीं कहते हैं नहीं नुकसान हो रहा है। कहता है कि एनरिच्ड एंड सेटिस्फाइंग, अनफॉर्चुनेटली रिसर्च फाइंडिंग्स हैव बीन टू इनकंसिस्टेंट। कहता है इनकंसिस्टेंट है, कहीं कहता है, कहीं कहता है नहीं है। Either scenario strongly, जो कोई दोनों जो है strongly अपने अपने point को प्रीट करें। As a result, we know little more about the computer's impact on work today than 1960. कहता है फायदा ही नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं नुकसान हो रहा है, कुछ कह रहे हैं फायदा हो रहा है, झगड़ा चल रहा है और हमें तो समझ ही नहीं आ रही 1960 में जो सिचुएशन थी कि इसका फायदा है नुकसान है, और आज जो है जो एटीज में इसने रिसर्च जो की, कहता है कि तभी यही बात आ रही है, तो क्लैरिटी नहीं आ रही है चीज़ की, तो इसके भी कहता है कि ये गैप है। तो जो कहता है कि In recent reviews, computer impact at well rule concluded that such inconsistencies could potentially overcome through new research strategies. अब यहाँ पे अपना वो सपोर्ट लेके आ रहा है कि जी एटवेल ने कहा कि इनकंसिस्टेंसीज हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि एटवेल भी कह रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और उसके जो कहने के मुताबिक ये जो गैप्स हैं ये इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय हैविंग बेटर रिसर्च डिज़ाइन की मेथडोलॉजीज, बेहतर रिसर्च स्ट्रैटेजीज के थ्रू इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। बेसिकली इज इंडिकेटिंग एक मोर डिटेल्ड मेथडोलॉजी अगर अडॉप्ट करें तो हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, इसको हम इस डिस्कशन को वंस फॉर ऑल जो है हम इसको जो है क्लोज कर सकते हैं अगर हम अच्छी तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है जिसको सारे लोग एग्री भी करें, एक्सेप्ट भी करें, और उसके फाइंडिंग्स जो हैं वो कंक्लूसिव हों। सेकंड स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ जॉब इम्पैक्ट रिसर्च जो है वो कहता है कि अगर हम करें और एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम बनाएं तो क्या होगा, और जिसमें हम कंट्रोल्स को सर्टन कंट्रोल्स रखें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपने इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं थ्रू एन एक्सपेरिमेंट, नॉट जस्ट कि हम लोगों ने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व किया और उस बिकॉज अगेन बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया, तो यहाँ पे कॉजल अगर मेथड को अडॉप्ट किया जाए और एक्सपेरिमेंट किया जाए तो हम लोग इस चीज़ को किसी हद तक जो है इसको फाइनलाइज कर सकेंगे। तो रिसर्च इन इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, वो कहता है, बट मोस्ट ऑफन ये इतना आमतौर पर इस्तेमाल क्यों कहता है। प्रॉमिसिंग स्ट्रैटेजीज टू, वो कहता है इस केस में एक फील्ड एक्सपेरिमेंट अगर हम अडॉप्ट करें टू डिटरमाइन द कंप्यूटर इम्पैक्ट इन अ पर्टिकुलर साइट वाइल कंट्रोलिंग फॉर ऑल अदर पॉसिबल कॉजेज, ठीक है, फॉर चेंज इन द वर्क बिहेवियर। तो अब ये सजेस्ट कर रहा है कि ये मेथडोलॉजी अगर अडॉप्ट करें तो हमें खातर खा एक जो है बेहतर जो है हमारे पास रिजल्ट्स, क्लियर कट रिजल्ट्स आ जाएंगे। द फील्ड एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशेस कंट्रोल थ्रू रिसर्च डिज़ाइन, और इसलिए हम जो है वो उसकी वजह से हमारे जो मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स या जो मुख्तलिफ जो है उसके बगैर भी हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आइडियली बहुत टाइप्स ऑफ जो है रिसर्च उसको मतलब जो है हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आगे बता रहा है कि हमारे फिर जो हमने गैप्स आइडेंटिफाई कर दिए, जो उसने कहा कि हम ये मेथडोलॉजी अगर अडॉप्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फिर
क्या करेंगे हम इस एक्चुअली इसके बाद नेक्स्ट चीज उसने कहा कि एक्चुअली अपने पर्पस बता रहा है, वो कह रहा है कि दिस आर्टिकल इज टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन यूजर्स एटीट्यूड एंड देयर परसेप्शन. ये तो वही बात कर रहा है. रिसर्च वॉज कंडक्टेड इन हॉस्पिटल यूजिंग नर्सेज एंगेज इन प्राइमरी हेल्थ केयर एज सब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पर वो गेम क्लियरली बता रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फिर क्या है कि हम एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते बनाते हुए एक नर्सेज जो हैं वो जो एक हॉस्पिटल में जॉब करती हैं वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को, क्योंकि एक एक्चुअल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फील्ड का एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है और एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट है वो भी की जाएगी तभी एक्सपेरिमेंट बनेगा. तो इसमें इस केस में यहाँ पे वो फील्ड में जा रहा है और एक्सपेरिमेंट करेगा. एक्सपेरिमेंट क्या करेगा कि वो बेसिकली क्या करेगा कि पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम लोगों की जो है जो नर्सेज हैं उनकी अपनी जॉब के बारे में जो है एटीट्यूड या उसकी परसेप्शन को भी देखेगा, और उसके बाद आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम आफ्टर वाइल उसका जब इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर लोगों से पूछेगा कि क्या फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, उनकी उनके एटीट्यूड में फ़र्क आया है कि नहीं, उसको बात करेंगे. अगर तय है कि एक्सपेरिमेंटल को सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया है जिसमें लोगों की परसेप्शन जो है जो आपकी उसको चेक किया गया है बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, प्रीवियसली डेवलप्ड वैलिडेटेड. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कर रहा है कि इसने क्या किया है कि आपके जो इन क्वेश्चनएयर्स को यूज़ किया है, कौन से क्वेश्चनएयर्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चनएयर्स जो कि एटीट्यूड को मेजर कर रहे हैं, परसेप्शन को मेजर कर रहे हैं ऑफ दी इंडिविजुअल्स स्पेशली द नर्सेस. ठीक है, ऑफ देयर ऑन देयर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स और जॉब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर उनकी एटीट्यूड और उनके परसेप्शंस को मेजर कर रहा है. लेकिन इसने अपने इंस्ट्रूमेंट खुद नहीं बनाया, इसने इन दोनों चीज़ों को मेजर करने के लिए एक बनाया पहले से एक वेल टेस्टेड जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वेल प्रूवन उसको यूज़ कर लिया है. जैसे कि कोई भी आपकी केस में जो है आप जो है वो अपने कोई बनाया इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं अगर वो आपकी सिचुएशन में इस केस में गेन एटीट्यूड को मेजर कर रहा है और आप स्टडी कर रहे हैं तो उसने एटीट्यूड और परसेप्शन के जो है इंस्ट्रूमेंट्स को ले लिया. ठीक है, आगे कहते हैं द रिजल्ट शोड based on the literature the difficult अच्छा ये रिजल्ट शोड के हम बाद में बात करेंगे. इसमें इम्पॉर्टेंट जो है इसके बाद इसने क्या किया है कि बेस्ड ऑन द लिटरेचर इट इज़ डिफिकल्ट टू हाइपोथेसाइज. तो इसने कहता है कि अपेरेंटली हमने ये तो डिज़ाइन हमने सोचा है लेकिन इसके बाद ये गैप को हम कवर कर रहे हैं बाय ये हमारा बाय थ्रू द सब्जेक्टिव कि हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बाद हम जो है डेटा कलेक्ट करेंगे जो भी है. लेकिन उससे पहले उसने कहा कि हमने सर्टन हाइपोथेसिस भी जनरेट करने हैं जो एक आपकी हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड के अंदर होता है, जो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के हमने देखा कि जब आपने सर्टन जो है थ्योरी आप फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कहते हैं कि आप उसको हाइपोथेसिस की फॉर्म में लिख देते हैं. तो इसने जो सर्टन हाइपोथेसिस लिखे हैं वो कहते हैं मेरे लिखने का जो हाइपोथेसिस का स्टाइल है वो कहता है कि नॉन डायरेक्शनल था. वजह ये था क्योंकि उसके पास जो एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है वो सपोर्टिव नहीं था, ना उसकी कभी वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है उसका इम्पैक्ट किस एटीट्यूड के ऊपर इंफॉर्मेशन सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन का, कभी वो नेगेटिव नज़र आ रहा है. तो कहता है हमने क्वेश्चनेयर तो जो है वो लिया बनाया ले लिया लेकिन हमारे जो हाइपोथेसिस हैं वो हमने नॉन डायरेक्शनल लिखे क्योंकि हमारे पास कुछ सपोर्ट नहीं थी इन टर्म्स ऑफ के ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव इनके दरम्यान रिलेशनशिप. तो ये देखिएगा कि लिटरेचर ऑन द टास्क चेंजेस शोज एविडेंस फॉर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चेंजेस बट द एक्सटेंट ऑफ चेंज इज ऑफन मिनिमम द एटीट्यूड स्टडीज आर प्राइमरली सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, फॉर दीज रीजन्स द टू सेट्स ऑफ नॉन डायरेक्शनल उसने क्या किया हाइपोथेसिस बनाए, दो सेट्स ऑफ सेट्स दिए. अभी दिखाता हूँ आपको कि सेट्स क्यों कहा उसने. बेसिकली दो हैं मेन और उसके बाद दो उनके सब हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं जो बाद में अगेन एक्यूमुलेशन करने के बाद वो बेसिकली दो बेसिक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स बन जाएंगी. तो कहता है कि वर फॉर्मुलेटेड अबाउट द इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. अब हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स किस लिए बने, टू सी द इफेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑन द एटीट्यूड एंड द परसेप्शन ऑफ द जो एम्प्लॉयज़ है.
especially the nurses के. Each set included hypothesis for the specific job characteristics and attitudes. ठीक है, वो hypothesis statement बनाई थी. Stated null form जो है वो उसने नीचे लिखी है. जो null form में हमारे हमने क्या कहा था कि अगर hypothesis statements होती हैं और certain variables की तरह, इस case में हमारे पास क्या है कि हम relationship देख रहे हैं. ठीक है ना, हम difference की बात नहीं कर रहे. तो इसमें वो कह रहा है कि the implementation of online information system will not have significant impact on upon user's perception, और जो इसका जो perceptions हैं उनके ऊपर उसका कहता है कोई impact नहीं होगा. तो ये जब हम कहते हैं कि I will not have, तो ये हमारा क्या हो गया, ये null है. null में हम कहते हैं कि कोई relationship नहीं है. ठीक है, अब variables के तो कहता है कि information का implementation का impact attitudes पे नहीं होगा. और इसी तरह अगली आगे जो देखिए तो कहता है इम्प्लीमेंटेशन का ऑनलाइन सिस्टम्स का जो है आपके एटीट्यूड के ऊपर नहीं होगा, और यहाँ पे उनकी जो है उनकी परसेप्शन पे नहीं होगा. तो बेसिकली ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इम्पैक्ट जो है किसके ऊपर, परसेप्शन पे नहीं है. इट्स नॉट देयर. यहाँ पे अगर हम कहें तो इज इक्वल्स टू जीरो कह रहा है, और यहां पे कह रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इंपैक्ट ऑन एटीट्यूड जो है इज इक्वल्स टू जीरो, जो हमारा नल हाइपोथेसिस का आमतौर पर जब हम देते हैं तो ये बेसिकली कह रहा है. लेकिन दो चीजें इसमें और इसने ये की कि जो परसेप्शन है अबाउट दिस जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, जो परसेप्शन है वो एक्चुअली उसको उसने ऑपरेशनलाइज किया है इनटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, 6 बेसिकली डायमेंशन पर उसने उसको ब्रेक डाउन किया है. ठीक है, उसके थ्रू उसने मेजर किया है. तो एक तो उसने ओवरऑल परसेप्शन को भी मेजर किया है, लेकिन इसको सेपरेटली भी मेंशन कर दिया है टू स्टडी एल मोर इन मोर डिटेल में, अगर उनको स्टडी करना पड़ जाए कि इनमें से अगर वैरायटी को अलहदा से हम चेक करना चाहें या ऑटोनॉमी को अलहदा चेक करना चाहें, तो सेपरेटली भी हम इन डायमेंशन को एनालाइज कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं. लेकिन ओवरऑल क्या किया है, ये जो परसेप्शन बन रही है ये इनकी क्यूमुलेशन से बन रही है, सबको क्यूमुलेट किया क्योंकि दीज आर द डायमेंशंस. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एटीट्यूड को उसने उसके तीन डायमेंशंस के ऊपर मैयर कर रहा है, ये ऑपरेशनलाइज है. तो इनको अगेन दिस इज कम्बाइंडली बन के ये बेसिकली आपका एटीट्यूड बन रहा है. ठीक है, तो इस सेंस में उसने बेसिकली बनाए तो दो हाइपोथेसिस, एक ये और एक ये हाइपोथेसिस है, उसके फिर सब उसने हाइपोथेसिस भी बनाए जा सकते हैं जो कि हाइपोथेसिस 2.1, 2.2, 2.3 या हाइपोथेसिस 1.1, 1.2, 1.3 करके बनाए भी जा सकते हैं. लेकिन मेन आपके हाइपोथेसिस जो हैं वो दो हैं. बेसिकली यू वांट टू टेस्ट के इंफॉर्मेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन करने का जो रिलेशनशिप है वो आपके परसेप्शन ऑफ द जॉब कैरेक्टरिस्टिक के साथ है या एटीट्यूड ऑफ द जॉब कैरेक्टरिस्टिक के साथ है कि नहीं है. The research method described below attempted आगे कहता है कि हम basically again we want to make sure कि हम अपने hypothesis को null को reject करें और alternate को accept करें. और इस case में वो basically is trying to see कि अगर तो वो establish कर देता है कि there is a relationship जो कि इसका, जब relationship की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर actual hypothesis हम कह रहे हैं तो actual hypothesis में हम कह रहे हैं actual hypothesis जो बना रहा है उसमें बेसिकली नल के तो हमने देख लिया. एक्चुअल में वो क्या कह रहा है कि ये वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कह रहा, देयर इज अ रिलेशनशिप. तो सेइंग इट्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इज नॉट सेइंग माइनस वन और प्लस वन. अगर ऐसा कहता तो उसका पॉजिटिव होता या नेगेटिव वन होता. वो कहता है इज ग्रेटर देन सॉरी इज सेइंग हमारे इस केस में इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बेसिकली कहना चाह रहा है. तो हम कहते हैं इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. ग्रेटर देन जीरो कहता तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, लेस देन जीरो कहता तो वो जो है नेगेटिव हो जाता है. लेकिन दिस इज नॉट व्हाट इज क्लेमिंग, इज सेइंग कि इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है. नल हाइपोथेसिस कहता है रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. तो यहाँ पे बेसिकली इसने नल हाइपोथेसिस को कहा है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है. एक्चुअल हाइपोथेसिस कहता है रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन डायरेक्शन उसने आइडेंटिफाई नहीं की. और बेसिकली उसका मकसद ये है कि किसी तरह से मुझे डायरेक्शन मिल जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए, तो मैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूं. फील्ड सेटिंग्स में उसने कुछ डिटेल बताई है. जो फील्ड एक्सपेरिमेंट जब करने जा रहा है तो कुछ उसने सेटिंग्स की, उसकी बैकग्राउंड को बता रहा है कि द रिसर्च टुक प्लेस इन अ लार्ज हॉस्पिटल विद ओवर 400 बेड्स.
delivering more than 150 patient days in health care. जो है एक हेल्थ केयर में 150 पेशेंट्स डे है जो है हेल्थ केयर को डिलीवर करता है. 400 बेड का हॉस्पिटल है. अपेरेंटली काफ़ी काम वहाँ पे रूटीन में आता है फॉर प्रोसेसिंग. और कहता है यूजिंग डेटा प्रोसेसिंग फॉर मेनी इयर्स बट नॉट इन दी नर्सिंग एरिया में नहीं कर रहे थे. जहाँ पे उन्होंने न्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी फ्यू कंप्यूटर्स हैड बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ द हॉस्पिटल और डेटा प्रोसेसिंग वॉज यूज प्राइमरी फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में था. आपकी जो नर्सेज हैं उनके लिए वहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया था. तो बेसिकली वहां पे एक उनके पास अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे उन्होंने देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हम नर्सेज के लिए भी इंप्लीमेंट करेंगे. तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम उसको देखें कि पहले उनसे पहले उनकी जॉब कैरेक्टर अपनी जॉब के बारे में उनकी क्या सोच थी और क्या इसने उनकी जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो उनकी सोच थी उसको फर्क किया है कि नहीं किया बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये इसने कहा द प्राइमरी एरिया ऑफ द हॉस्पिटल वेयर the primary of the hospital where this new system was installed and studied was the nursing. ठीक है, जो हम बात भी कर चुके हैं क्योंकि वो nursing functional required thousands of communications. अब यहाँ पे वो अगेन बता रहा है क्योंकि वो रूटीन में उनकी जॉब में बहुत सारी कम्युनिकेशन करनी होती है उन्होंने, जिसमें सच एज के फार्मेसी को मेडिसिन रिक्वेस्ट कर रही हैं, लेबॉरेटरीज को टेस्ट रिकमेंड कर रही हैं, उनके टेस्ट को जो है रिसीव कर रही हैं या उनको स्टडी कर रही हैं, या डाइटरी डिपार्टमेंट को फूड के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, या एडमिटिंग डेस्क में अपने पेशेंट को एडमिट कर रहा है, इन एंड आउट कर रही हैं. तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर नर्सेस को जो है सर्टन डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम जो उनका मेन जो काम है जो मेन शोभा है. इसके अलावा उनको ये भी करना पड़ता है. तो जो हमने वो बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि उनके जो मेन काम है उस पर कहीं कंप्यूटर्स का इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने की वजह से कोई असर तो नहीं फर्क पड़ा, उनको कोई इशू तो नहीं है. तो उसमें कहते हैं थाउजेंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फोन कॉल्स वर मैनुअली इशूड ऑन अ डेली बेसिस. लेकिन ओल्ड सिस्टम वॉज एरर प्रोन, इसमें गड़बड़ हो जाती थी, रिजल्टिंग इन मैनी प्रॉब्लम्स एंड मच फ्रस्ट्रेशन फॉर द नर्सेस. तो ये पुराने सिस्टम थे, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी थी, फ्रस्ट्रेशंस होती थी, नर्सेज जो हैं वो जो है उनसे गलतियां भी हो जाती थी. तो ये पुराने सिस्टम्स के कुछ फ्लॉज थे. तो हमने इन्होंने कहा है देखते हैं कि हम नए सिस्टम को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है. रिसर्च डिज़ाइन में जो चीज़ है वो अगेन इसने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया है और कर रहा है करेगा इसमें. बेसिकली जो रिसर्च डिज़ाइन का एस्पेक्ट होता है आपकी जो रिसर्च आर्टिकल के अंदर, तो उसमें कह रहा है कि कसाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है वॉज एम्प्लॉयड इन दिस फील्ड स्टडी. डेटा वर्क कलेक्टेड बोथ बिफोर एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेशेंट केयर सिस्टम. जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है मोस्ट प्रॉब्ली इसका नाम जो है उन्होंने पेशेंट केयर सिस्टम रखा है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के पी सी एस जो है इनका वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का नाम है. इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले और इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो देख रहे हैं और डेटा जो है उन्होंने कलेक्ट किया है. तो ये बेसिकली तो कलेक्शन कहता है द डेटा कलेक्शन पीरियड्स वर सेपरेटेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 11 मंथ्स. ये इंपॉर्टेंट देखिएगा क्योंकि ये हमारे अगेन वो हमने जो देखा था कि टाइम फ्रेम जब हम कहते हैं कि हमारी स्टडी टाइम फ्रेम, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की जब हम कहते हैं या क्रॉस सेक्शनल, तो इस केस में ये क्या है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है. और अगेन ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी है लेकिन टाइम फ्रेम को कॉन्टेक्स्ट से ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है क्योंकि हमने एक ही चीज़ एटीट्यूड ही बिफोर एंड आफ्टर ली है. पहले लेट्स से जनवरी में इम्प्लीमेंटेशन से पहले जनवरी में लेट्स से हमने उनके एटीट्यूड अबाउट देयर जॉब्स एंड परसेप्शन पर लिया और फिर हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके नवंबर में जाके आपने दोबारा उनसे वही जो नर्सेस थी उनसे आपने डेटा कलेक्ट किया ऑन देयर एटीट्यूड इन परसेप्शन अबाउट देयर जॉब एटीट्यूड इन परसेप्शन अबाउट देयर जॉब. उन्हीं से जब आपने पूछा 9 महीने या 10 महीने वो अपने सिस्टम को इस्तेमाल करती रहीं और जब वो इस्तेमाल करते रहे तो वो देखना चाहते हैं कि आप बिफोर एंड आफ्टर में इसमें क्या फ़र्क पड़ा है. तो ये कहीं टाइम फ्रेम की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसमें एक जो आपका वेरिएबल जिसको ट्रीटमेंट वेरिएबल जो था
वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखा गया है, और उसके ना होने उसके होने के बाद को ट्रीटमेंट को देखने के से कहते हैं कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, क्योंकि एक फील्ड एक्सपेरिमेंट एक फील्ड में जब आगे आ गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो नर्सेज हैं वो एक्चुअली जॉब कर रही हैं, उनके एक्चुअल वर्किंग फील्ड में है वहाँ पे है। अभी कौसा इसलिए क्योंकि पोर कम्प्लीटली ये जो है एग्जैक्ट कम्प्लीट फील्ड या आपका एक प्योर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है। वजह ये है कि अगेन इसमें सर्टन थिंग्स जो हैं इन्होंने शायद वो जिस लेवल की कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं जिनका इम्पैक्ट आ सकता था उनको उस तरह से उन्होंने स्टैंडर्डाइज या उनको कंट्रोल नहीं किया, या उनके जो है इफेक्ट को नलिफाई शायद ना कर पाए हों, तो उस वजह से अगेन ऑल्दो ये एफर्ट है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, उसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट है, तो उसकी हम एक लिहाज से कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है इसका जनरलाइजेबिलिटी इसमें है, लेकिन शायद इंटरनल वैलिडिटी जो है इसकी लो हो। तो कहता है कि दिसंबर 1982 में जो सेकंड टेकिंग जो है टेकिंग प्लेस इन नवंबर जो है उसने तो दिसंबर में लिया, और नवंबर में दोबारा जाके 1983 में उसको डेटा को उसने कलेक्ट किया, और जो है इस बेसिकली प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन इसने यूज़ किया, जो कि उसने यहाँ पे इसको डिज़ाइन को अपने रिसर्च डिज़ाइन को दिया, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को दिखाया है। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रैंडमली सिलेक्टेड जो है, अब इसमें अगेन जो हमारा कन्फाउंडिंग वेरिएबल के जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया है इसने, जो रिस्पॉन्डेंट थे उनको रैंडमली सिलेक्ट किया है, ताकि जो हमारे जो जो ट्रीटमेंट या नॉन ट्रीटमेंट वाले जो हमारे ग्रुप्स बनाए गए हैं या कंट्रोल ग्रुप है या जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनको जो उसमें सिलेक्ट किए गए हैं वो लोग रैंडमली किए गए हैं, तो बराबर चांसेस हैं कि हर तरह के लोग जो हैं वो दोनों में इक्वल चांसेस के साथ वो सिलेक्ट होते हैं जो जो भी रैंडमली आ गए तो उसमें कोई उन्होंने जो कन्फाउंडिंग जो वेरिएबल्स का जो इम्पैक्ट है या उनका एज स्टाइल या एक्सपर्टीज या मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं जो नर्सिस की स्किल या उनकी जो है अप्रोच टूवर्ड्स द वर्क जो है उसको इम्पैक्ट कर सकता था उसको रैंडमली जब उसने सिलेक्ट कर लिया तो उस चीज़ को किसी हद तक उसने कंट्रोल कर लिया। तो उसके कहते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रिप्रेजेंट रैंडमली सिलेक्टेड सैम्पल ग्रुप्स, दो सैम्पल ग्रुप्स बनाए उनको रैंडमली उनके जो हैं रिस्पॉन्डेंट्स को सिलेक्ट किया, यानी अगर से 100 नर्सिस थी तो उसमें दो ग्रुप्स बना दी 50-50 के, तो वो 50 जो सिलेक्ट हुए ग्रुप ए में जो गए हैं जो 50 सिलेक्ट हुए ग्रुप टू बी में गए हैं वो रैंडमली गए हैं, आपने अपनी मर्जी से नहीं किए उनके बाई चॉइस बाई दी प्रोबेबिलिटी जो भी उनकी है उसके बेसिस पे हो गए हैं। तो ऑब्जर्वेशन वन ए इज़ द प्री टेस्ट इंटरवेंशन इज़ द ट्रीटमेंट intervention is the treatment which is this case is the PCS treatment. तो observation 1A जो है इसको intervention इनको दी गई है इस group के ऊपर group A के ऊपर क्या किया है कि treatment इनको पहले treatment से पहले और फिर treatment के बाद किया गया है। तो observation 1A treatment से पहले ली गई है और फिर 2A observation 2A जो है उसी group की after जी इंटरवेंशन की गई है, ठीक है, जो इंटरवेंशन हुई है तो इसमें यह है कि जो एक्सपोजर है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमने जो कहा था एक्सपोजर या उसकी जो एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो पहले भी उन्होंने वही इंस्ट्रूमेंट देखा है फिर दोबारा उन्होंने 8-9 महीने बाद दोबारा इंस्ट्रूमेंट देखा है उनको किसी हद तक फेमिलियर भी हो जाते हैं अंदाजा भी हो जाता है जिसका वजह से कभी कभार आप अपने को आपको जो पता होता है कि मैं एक्सपेरिमेंट में शामिल हूँ तो आपका जो रिस्पॉन्स है कि पहले भी लिया है और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से कोई बात कर रहे हैं तो आप थोड़े से कॉन्शियस होकर आंसर करते हैं तो वो जो उसकी इंटरनल वैलिडिटी भी जिसको इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए इसने क्या किया है एक कंट्रोल ग्रुप जो उसने बनाया उसको उसने क्या किया है कि उसको पहली की प्री की उसकी ट्रीटमेंट नहीं की, ठीक है, और एक्चुअली दूसरा जो ग्रुप बनाया है यहाँ पे सॉरी कंट्रोल ग्रुप नहीं है जो अगेन एक और ग्रुप बनाया है जिसको अगेन ट्रीटमेंट उसने दी है और उसको ट्रीटमेंट जब दी है तो ऑब्जर्वेशन 2B के नाम से दे रहा है इसके अपेरेंटली इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये लोग ये जो ग्रुप टू जो ग्रुप टू है इसको एक्सपोज नहीं किया इसने टू द इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से एक्सपोज नहीं हुआ
इंटरवेंशन के बाद उसको सिर्फ देखा गया है कि उसको क्या उसका क्या फीलिंग्स है उसकी. तो ये बेसिकली गेन जो हमारा मेजरमेंट हम लोगों ने सॉरी हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो किया था उस पर जो हमारी जो आपका प्री टेस्ट जो पोस्ट टेस्ट का जो हमने एक डिज़ाइन देखा था उसमें जो इंस्ट्रूमेंट कुछ चेंज और ना चेंज के अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में उसने एनालिसिस किया था. ये तकरीबन उसी तरह का उसने यहाँ पर भी इस चीज़ को किया है. ठीक है, इसके साथ आपके पास जो इसके मेयर्स या जो इंस्ट्रूमेंट इसने यूज़ किया है वो हमारे पास क्या है, वो बेसिकली अगेन हैज बीन डेवलप्ड बाय स्लिम्स एंड सेलर्जी और कैलर का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली मेयर क्या करता है, जो आपके मेयर करता है या तो एटीट्यूड मेयर कर रहा है और इसके अलावा परसेप्शन को मेयर कर रहा है. तो ये इसने क्या किया कि बनाया कुछ किसी ने पहले से रिसर्च करके किसी इन दो जो एस्पेक्ट्स हैं एटीट्यूड एंड परसेप्शन के ऊपर के डायमेंशंस के ऊपर उसने पहले से क्वेश्चनेयर बनाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है और कहता है कि मैंने उसको यूज़ किया है. ठीक है, और इसके बाद वो कहता है कि इसमें जो स्केल यूज़ किया गया है वो बेसिकली कहता है वन ऑफ दी आइटम्स इन जो उसने लिकर्ट स्केल यूज़ किया गया है जो इसको मेयर करने के लिए. तो जो भी सवाल बनाए गए हैं जो क्वेश्चनेयर के अंदर बने गए हैं जो छः या तीन डायमेंशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड या परसेप्शन के जो डायमेंशंस हैं उनके जो सवाल बनाए गए हैं उनको जो मेयर किया गया है वो स्केल पे किया गया है, वो लिकर्ट स्केल पे किया गया है. और उसका सवाल इस तरह का है, हाउ रिपिटिशियस आर योर ड्यूटीज. तो इसका पॉसिबल रिस्पॉन्स हो सकता था वेरी लिटिल, मॉडरेट अमाउंट, वेरी मच, इस तरह का है. तो हायर स्कोर्स इंडिकेट करेंगे कि ठीक है जी बहुत ज़्यादा जो है रेपिटिशियस नहीं है, बहुत ज़्यादा रेपिटिशियस है. और अगर वन या टू स्कोर आएगा तो उसका मतलब है कि इतना रेपिटिशियस काम नहीं है. तो अपेरेंटली ये चीज़ें उसने चेक करने की कोशिश की है कि आपकी अपनी जॉब के बारे में क्या, उसके करेक्टर्स के बारे में क्या है, कि इसमें बहुत रेपिटेशन है काम में या बोरिंग है या कॉम्प्लेक्स है, इस तरह के सवाल जस्ट टू इस्टेब्लिश कि आपकी परसेप्शन जो है अबाउट जो जॉब्स क्या है. Approximately, 500 nurses were available for the testing and the effect of the testing and the effect of the PCS system, yani aapka jo computer information system jo tha uski testing ke liye 500 nurses thi jinko jo thi available prior to the system implementation. और 258 रैंडमली सिलेक्टेड नर्सेज कंप्लीटेड द क्वेश्चनेयर जो पहले में है उसने कहा है 258 जो थी जिनको सिलेक्ट किया गया और उन्होंने क्वेश्चनेयर को फिल किया प्री टेस्ट में यस जिसमें यानी टेस्ट यानी ट्रीटमेंट के बाद उसमें उससे पहले और आफ्टर द पीसीएस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन 218 जो है वो अवेलेबल थी रैंडमली सिलेक्ट की थी नर्सेज और उनको क्वेश्चनेयर का हिस्सा यानी इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रही. पोस्ट टेस्ट में यस उसमें पोस्ट टेस्ट में जो उनमें जो इन्वॉल्व हुई आफ्टर द ट्रीटमेंट जो है वो इन्वॉल्व. तो कहता है कोसाई एक्सपेरिमेंट डिजाइन प्रोड्यूस द फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स आंस यूजर्स. ठीक है, उसके कुछ डिटेल्स उसने जो सब ग्रुप्स हैं उसकी दी हैं. आगे कहता है द डिज़ाइन इज़ नॉट ट्रू एक्सपेरिमेंट बिकॉज बोथ ग्रुप्स रिसीव द ट्रीटमेंट. ठीक है, ओके, यही बात है. सॉरी, हम लोग उस वक्त मिस कर गए थे. तो यही था कि अगेन क्योंकि दोनों ग्रुप्स को प्योर एक्सपेरिमेंट नहीं है गहरा क्योंकि दोनों ग्रुप्स को जो ग्रुप ए है और बी है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे ऑब्जर्वेशन वन ए ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को ट्रीटमेंट मिला है और उसमें फिर कंपैरिजन कर रहे हैं. सिर्फ जो चीज़ कंट्रोल की गई यहाँ पे वो यही थी कि वो एक्सपोज नहीं थे टू द इंस्ट्रूमेंट. अदर देन दैट ये दोनों को ट्रीटमेंट यानी कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाया गया था. तो इस सेंस में ये प्योर एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो खुद भी कह रहा है और एडमिट कह देयर वर नो कंट्रोल ग्रुप्स फॉर प्रैक्टिकल रीजंस द हॉस्पिटल डिड नॉट विश टू डिले द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम फॉर एनी सबसेट ऑफ द नर्सेस. ठीक है, वो अगेन जो हमने कहा कि प्रैक्टिकल सिचुएशन जब आती हैं रियलिटी की बात आती है तो हॉस्पिटल वाले ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि सिर्फ लेट्स से अगर 230 नर्सेस जो हैं अवेलेबल हैं फॉर एक्सपेरिमेंट उनमें से लेट्स से 50 को कहा कि नहीं आप पे इनको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल करने देंगे और 50 को काम इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल करने देंगे. इसमें जो डिफरेंस है उसको ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि हम 50 लोगों को जिनको एक्सपोज नहीं करने देना जो कंट्रोल ग्रुप होता
होता है आमतौर पर, जिसमें हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हैं, वो कुड नॉट अफोर्ड दैट. वो कहने, उन्होंने कहा नहीं जी, हमें ये ट्रीटमेंट, हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम सब नर्सेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. इसलिए यही जो वजह है जिसकी वजह से हम जो फील्ड स्टडी कहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. रियलिटी इज दिस, हम जो फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न ले आते हैं, क्योंकि अगर कोई आपकी इस स्टडी में आपके साथ एग्री कर भी गया है तो और आपको वो एक्सपेरिमेंट करने दे भी रहे हैं तो वो किसी हद तक कुछ चीज़ों पे तो वो करने देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन लेने देंगे, कंट्रोल करने, कुछ चीज़ों पे वो नहीं करने देंगे. तो इस तरह की वजह ये थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हॉस्पिटल थे, उन्होंने कहा नहीं, हम ये कंट्रोल ग्रुप ने हमें सारी नर्सेस को जो है हमें जो है वो सिस्टम पे उनको काम उनको देना है, उनको इस्तेमाल करना उनको पड़ेगा क्योंकि हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है. तो इसकी वजह से वो उस तरह प्योर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ही है, और इट इज़ पार्ट ऑफ द रियलिटीज, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं ये चीज़ कर नहीं सका. द डिज़ाइन डिड नॉट हाउएवर परमिट एन असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर ऑफ द कॉमन ट्रीटेड टू इंटरनल वैलिडिटी. वो इंटरनल वैलिडिटी जो है वो लैक कर रही है, क्योंकि अगेन इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाया गया था. ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ रैंडमाइजेशन वॉज टू कंट्रोल फॉर द अदर सिस्टमैटिक सोर्स. जो रैंडम वाला पार्ट है वो इसने कहा था, जो दूसरे और इंटरनल वैलिडिटी के जो इश्यूज हैं जिसमें हमारे पास सिस्टमैटिक सोर्सिंग की जो बात है, या आपके जो है ऐसे लोगों की सिलेक्शन है जो बराबर हर तरह से दोनों तरह के ग्रुप्स में आ जाए, उसको कहता है कि मैंने किसी हद तक कंट्रोल किया है ताकि हमारे पास रैंडम जब किया है तो हमारे पास वो जो कॉम्बिनेशन बना है इस ग्रुप की, उसमें कोई हमने कुछ जो है ये नहीं हुआ कि एक्सपर्ट नर्सेज एक तरफ चली गई हैं और जो है नई नर्सेज एक तरफ चली गई हैं, मिक्स आया है हर तरह का और जो चांसेस के बेस पे थे, इसलिए हमारा जो कन्फाउंडिंग वेरियबल्स का इम्पैक्ट था वो किसी हद तक इस लिहाज से कम हो गया. रिजल्ट्स क्या आए हैं? रिजल्ट्स कह रहा है कि जनाब अगर हम देखें इसको आराम से, तो ये प्री टेस्ट की जो है प्री टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन का इसने डेटा निकाला है, और जो वेरिएबल्स हैं एक्चुअली इसने वैरायटी, ऑटोनॉमी, ये बेसिकली सब डायमेंशंस हैं आपकी परफॉर्मेंस और एटीट्यूड के ऊपर. ये बेसिकली परफॉर्मेंस के डेटा है, ये एटीट्यूड का डेटा है, जो बाद में अगर चाहें तो अगर हम चाहें तो इनका क्यूमुलेटेड भी हम निकाल के देख सकते हैं, और एक्चुअली उसी के बेसिस के ऊपर एनालिसिस किया होगा. लेकिन इसने इनको सेपरेटली भी निकाला है, ये मीन निकला है वैरायटी के ऊपर या ऑटोनॉमी के ऊपर. लेट्स टेक द केस ऑफ ऑटोनॉमी हियर. वो कह रहा है कि प्री टेस्ट में उसकी जो वैल्यू आई है, जो कि एक पार्ट है आपका किसका, आपकी परसेप्शन का, तो कहता है ऑटोनॉमी का जो प्री टेस्ट आई थी वो 4.10 आई थी विद स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 5.540. इसका क्या मतलब हुआ? ये जो मीन रिस्पांस आ रहा था 1 to 5 के ऊपर, जो आमतौर पे आ रहा था 1 मीनिंग के हमारी, जैसे वो जो क्वेश्चन था, इधर सवाल था हमारे पास जो था कि 1 हाउ रिपिटिशियस आर यू ड्यूटीज, इसमें आपका 1 वेरी लिटिल, मॉडरेट अमाउंट टू वेरी मच अमाउंट. इसी तरह का सवाल ऑटोनॉमी भी हो सकता है होगा, जिसमें उसने पूछा होगा कि आपकी जो जॉब है वो कितनी, उसमें आपको कितनी ऑटोनॉमी मिली है, थोड़ी सी, ज़रा ज़्यादा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की चीज़ है. तो इस तरह का अपने स्केल यू है कि आपको आपकी जॉब में आपको ऑटोनॉमी है, यू स्ट्रांगली एग्री और यू स्ट्रांगली डिसएग्री, जो है इस तरह के स्केल के ऊपर आपका जो इन्फॉर्मेशन आई है वो 4.10 आई है, विच इंडिकेट्स के आमतौर पे जो इटोनॉमी पे जो वैल्यू आई है वो 4.19 है, जिसका स्टैंडर्ड एविएशन 5.4 है. यानी वेरिएशन जो है बिटवीन द रिस्पॉन्ड जो है वो 0.54 है, विच इज वेरी वेल विद इन द लिमिट्स. इतनी वेरिएटेड इसका स्कैटर्ड डेटा नहीं है ये, लेकिन ज़्यादा लोगों का जवाब जो है वो 4.1 और 4.5 के दरमियान में ही है. और आगे जो पोस्ट टेस्ट, जब उसको 6 महीने 9 महीने के बाद दोबारा उसी ग्रुप से जब पूछा गया और उनसे जब डेटा लिया गया, तो ये 4.07 ऑटोनॉमी के ऊपर आया. तो इस पर्टिकुलर परसेप्शन के ऊपर अबाउट द ऑटोनॉमी के ऊपर, जो उनका पहले डेटा था 4.10 था, बाद में 4.07 था, वो स्टैंडर्ड डिविशन की ज़्यादा नहीं है. तो इसमें बेसिकली जो डिफरेंस अगर आप देखें तो एग्जिस्ट तो करता है, 1.109 से 75 थोड़ा सा डिफरेंस तो है, लेकिन ये डिफरेंस जो है वो अगर हम जब एक्चुअली जब हम टी टेस्ट अप्लाई करें
तो ये पता चलता है कि इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. हमने अगर याद हो तो जब हम कहते हैं कि अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा तो 0.05 या इससे लेस वैल्यू आनी चाहिए. तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो पी की वैल्यू आ रही है और फॉर टी टेस्ट की जो आ रही है टी स्टैटिस्टिक्स में आ रही है वो 0.503 आ रही है. तो कह रहा है कि इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन दी टू जो है वैल्यूज प्री एंड पोस्ट. यानी प्री टेस्ट में जो उसका मीन आ रहा था जो पोस्ट टेस्ट में उसका जो मीन आ रहा ऑन दी मेटोनमी है वो इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा. और यही चीज़ उसको बेसिकली देखें तो इन सब के ऊपर कहीं पे भी उसको 0.05 की वैल्यू नजर नहीं आ रही. यानी जो डिफरेंस है इन सब चीज़ों के ऊपर देखा जाए पोस्ट एंड प्री के दरमियान में जो डिफरेंस जो निकाला जा रहा है टी टेस्ट के थ्रू उसको चेक किया जा रहा है तो 0.1 0.5 0.3 ये सिग्निफिकेंस लेवल है. तो ये सवाय इसके बाकी हर चीज़ को फ्रेंडशिप के ऊपर कह रहे हैं कि हमारा 0.014 इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है. पहले 3.8 थी फिर 3.65 है. तो यहाँ पे कहते हैं कि डिफरेंस आया थोड़ा सा फ्रेंडशिप के ऊपर हमारी उसके हमारी जॉब में जो फ्रेंडशिप का कॉन्टेक्स्ट है वो शायद कम हुआ है. शायद पॉसिबल है कि फ़ोन करने से अब क्योंकि आप डायरेक्टली आप भेज देते हैं अपने पीसीज के ऊपर रिक्वेस्ट भेज देते हैं. पहले आप फ़ोन करते थे या रिक्वेस्ट करते थे दूसरे डिपार्टमेंट से लेबॉरेटरी से या फार्मेसी से तो वहाँ पर लोगों की शायद इंट्रैक्शन कम हो गई. शायद उसका इम्पैक्ट हो सकता है. अदर देन दैट बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो इनका डिफरेंस नहीं आया. तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आपकी प्री टेस्ट जो उनकी एटीट्यूड टूवर्ड द जॉब था या प्री टेस्ट जो परसेप्शन अबाउट द जॉब थी और उनके जो कंपनी से अलग अलग भी देखें तो बिफोर एंड आफ्टर में उन कहते हैं उनमें हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा. इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो उससे ना हमारी इटोनॉमी पर फ़र्क पड़ा ना हमारी फीडबैक पर फ़र्क पड़ा ना हमारी डीलिंग में फ़र्क पड़ा ना हमारे टास्क आइडेंटिटी में पड़ा ना हमारी परफॉर्मेंस में ना गोल्स ना अर्जेंसी इन सब किसी में कहता है कि हमारे में फ़र्क नहीं पड़ा. सवाए एक फ्रेंडशिप के अलावा बाकी सारों पर मेजोरिटी पर हमें फ़र्क नहीं पड़ा. दस द रिजल्ट क्या क्या है? द रिजल्ट फेल टू रिजेक्ट ऑल दी हाइपोथेसिस इंडिकेटिंग रिलेटिवली लिटिल इम्पैक्ट. इन दो हाइपोथेसिस मेन हाइपोथेसिस और इन सब हाइपोथेसिस भी देखें तो तकरीबन सब पे रिजेक्शन हो गई सवाए एक के जो फ्रेंडशिप वाला है. इसके अलावा सब पे उसको रिजेक्शन मिल गई. अपेरेंटली कहता है अपेरेंटली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पी इंफॉर्मेशन सिस्टम बी सी एस इन दिस इंस्टेंस नाइदर डिस्टरप्ट द वर्क इन्वायरमेंट नॉर प्रोड्यूस ड्रामेटिक पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो कहता है ना ही ये जो है आपके इम्पैक्ट आ रहा है आपकी जॉब की आउटपुट के ऊपर ना ही इसका इम्पैक्ट आ रहा है आपकी परसेप्शन के ऊपर एटीट्यूड्स के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो इसने कोई ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा. तो ये अपेरेंटली कह रहा है कि ये जो आपकी चीज़ है जो है वो इसमें हमारे पास इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा बिटवीन द टू. ओके एक चीज़ थोड़ी सी हमने यहाँ पे इसको देख लें क्योंकि हमने जो इस पर जो टेस्ट अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंगली जो ये इक्वेशन जो बनेगी वहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज हम लोग बेसिकली देख रहे थे क्योंकि हमारे पास था हम देख रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम विल नॉट हैव सिग्निफिकेंस. तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली ये बन रहे हैं कि जो आपका ग्रुप ए है उसकी जो परसेप्शन है वो जो है जो ग्रुप ए की जो परसेप्शन है वो किसके बराबर है. वो कह रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर जो परसेप्शन है दोनों सेम है. एक तो ये हम कह रहे हैं. दूसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि परसेप्शन जो है हमारी ग्रुप ए और यानी बिफोर द ट्रीटमेंट जो परसेप्शन है और आफ्टर द परसेप्शन जो है उनके दोनों दोनों बराबर हैं या दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है वो किसकी क्या है द डिफरेंस बिटवीन देम. लेकिन ये आप उसको कह रहे हैं पी माइनस पी वन पी टू अगर हम करें दो दफ़ा परसेप्शन ली है तो ये यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर आ रही है ये इज इक्वल टू जीरो आ रही है. तो ये जो सॉरी पहले हमने डायग्राम बनाया था इसमें हमें बेसिकली जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी वो ये है कि हम कह रहे हैं कि परसेप्शन जो हम ले रहे हैं बिफोर पी वन और परसेप्शन जो बाद में हमने लिया आफ्टर टेप तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या आ रहा है जीरो के बराबर आ रहा है. ठीक है जी. तो ये इसमें हमने एक चीज यहाँ पे इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी वो कह रहा है कि एटीट्यूड पहले जो लिया गया है और जो एटीट्यूड बाद में लिया गया है
ठीक है, इस दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर में है, जीरो के बराबर, जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन ये बेसिकली ऐसे रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं देख रहा है, ये ग्रुप डिफरेंस के हवाले से बात देख रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा है कि ए वन माइनस ए टू इज इक्वल्स टू जीरो, मीनिंग कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है वो है वो क्या है, वो डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता। तो बेसिकली नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि दोनों के दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, और एक्चुअल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, ए वन माइनस ए टू ये आपका नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, और ये आपका एक्चुअल हाइपोथेसिस है। तो हम कह रहे हैं ए वन माइनस ए टू किसके बराबर हो गया, हम कह रहे हैं एक्चुअल हाइपोथेसिस, हम कह रहे हैं कि इट्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीनिंग ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन वी नॉट श्योर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि एटीट्यूड बिफोर एंड आफ्टर जो है क्या हो गया, वो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा एक्चुअल हाइपोथेसिस, अब जब डेटा आया रिजल्ट आया तो उसके मुताबिक ये पता चला डिफरेंस जो है वो हमने जब देखा कि वो दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, देयर माइनस में इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस जो है वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है और इनसिग्निफिकेंट है, इस लिहाज से आपका नल हाइपोथेसिस केस में प्रूव हो रहा है और आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो डिसप्रूव हो रहा है। सेम गोज विद दिस केस, ये जो आपका नल हाइपोथेसिस है ये क्या हो रहा है, ये नल हाइपोथेसिस आपका प्रूव हो रहा है, क्योंकि दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है वो तकरीबन जीरो के करीब है, डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। जो एक्चुअल हाइपोथेसिस हमारा था, क्योंकि हमने जो टेस्ट अप्लाई किया एक्चुअल हाइपोथेसिस एच ए, वो कह रहा है कि परसेप्शन वन माइनस परसेप्शन टू जो है वो क्या हो रही है, वो हम कह रहे हैं इज नॉट इक्वल्स टू जीरो कह रहे हैं, यानी वो प्लस वन है या माइनस वन है, प्लस टू यानी जो भी है, प्लस है या माइनस है जो भी है, लेकिन अपेरेंटली वो कह रहा है कि डिफरेंस जो है वो तकरीबन निगलिजिबल है, तकरीबन जीरो के बराबर है। तो इस केस में ये रिजेक्ट हो रहा है और आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो रहा है। तो इस सेंस में वो कह रहा है अल्टीमेटली हाइपोथेसिस में, बाकी उसने यही कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये पता चला है कि जो हमारे नल हाइपोथेसिस हैं वो प्रूव हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की जो इम्पैक्ट है ऑन दी आपके सिस्टम है, ऑन दी एटीट्यूड, ये परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो जो है एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कि परसेप्शन पहले और बाद में उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, एटीट्यूड पहले या बाद में कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन ये कैसे उसने किया है, ये बेसिकली इसने बेसिकली एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसमें उसने उनकी परसेप्शन को पहले लिया और बाद में लिया, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ली और एक साई एक्सपेरिमेंट समाई जो है फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किया। कुछ चीज़ें उसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट की हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन क्योंकि उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं था इसलिए वो कहता है कि ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इशू था, प्रैक्टिकल इशूज थे जिसके लिए हम नहीं कर सके, लेकिन हमने किसी हद तक कुछ कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को जो है वो कंट्रोल किया बाय यूजिंग रैंडम सिलेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स, और हमने उनको बिफोर एंड आफ्टर करके देखा और हमने देखा कि एटीट्यूड का इम्पैक्ट जो है जो इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट जो है ना ही किसके उसके उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस ट्रीटमेंट का जो इम्पैक्ट है वो हमारे परसेप्शन के ऊपर बिफोर एंड आफ्टर नहीं हो रहा, उसका ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट जो है हमारे एटीट्यूड के ऊपर नहीं हो रहा, बिफोर एंड आफ्टर नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली एक अगेन एक ग्रुप डिफरेंस टाइप की स्टडी थी, और जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं यूजुअली उसी लाइन्स पे होते हैं, और इसमें हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो समथिंग जो नोटेशंस बनेंगी वो बेसिकली इस टाइप की बनेंगी, और इस केस में हमारे पास अल्टरनेट जो है वो डिसप्रूव हो रहे हैं और नल हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है। तो ये जनाब ये बेसिकली जो थी एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक फील्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की स्टडी थी, और जो कि आपके एक ट्रीटमेंट बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट के हवाले से बनाई गई। और ये इसी तरह आप भी अपनी अगर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसमें अगेन फील्ड एक्सपेरिमेंट अब जाकर करते हैं तो कंट्रोल्स का इशू आता है, आपको उतना ही ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जो है सपोर्ट चाहिए होती है क्योंकि आपके पास लिमिटेड होते हैं। यही चीज़ अगर आप लैब में करते हैं तो उसमें अगेन एक आपको जो अमाउंट ऑफ जो फंडिंग रिसर्च की चाहिए वो अगेन ज़्यादा चाहिए ताकि वे एक्चुअल प्योर एक्सपेरिमेंट कर सकें। अदर देन दैट हमें यहाँ पे एक जगह पे इस रिसर्च को कहा जाए तो एक लिहाज से इसकी
किसी हद तक जो है जनरलाइजेबिलिटी इन नर्सिंग प्रोफेशन तो कहा जा सकता है, नर्सिंग हॉस्पिटल्स के अंदर कहा जा सकता है, और किसी हद तक जनरलाइजेबिलिटी आ जाती है इस एक्सपेरिमेंट की, लेकिन अगेन इंटरनल वैलिडिटी इस रिसर्च की कम थी. तो ये बेसिकली हमारा रिसर्च आर्टिकल था और जो एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे था. विद दिस आज का हम सेशन को कंक्लूड करते हैं, और होपफुली इंशाल्लाह मेक मीट नेक्स्ट टाइम. अस्सलाम वालेकुम.